स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रितांभरा आपके साथ। लखीसराय में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बढ़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत तहदैया में एक ट्रैक्टर से गांजा बरामद किया। गांजा की कीमत करीब 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि ट्रैक्टर ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। गश्ती के दौरान NH-80 पे एक ट्रैक्टर वो जा रही थी, जिस पे कुछ संदिग्ध वस्तु लगा पेट्रोलिंग टीम को है। पेट्रोलिंग टीम ने उसे शंका हुई कि कुछ अवैध पदार्थ है इस पे, तो उन्होंने तुरंत SHO को फ़ोन किया। SHO ने मुझे फ़ोन करते हुए उत्पाद अधीक्षक को भी बुलाया और उसके उनके सामने जब उसको खोला गया तो उसमें भारी मात्रा में गांजा। कैमूर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज वाराणसी के एक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शराब बेचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। 5 फरवरी 2021 को भगुआ थाना के अंतर्गत कुड़ासन गांव में देर शाम को वहां से सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। स्थानीय प्रशासन एवं हमारे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वहां पर स्वयं जाया गया और जो लोकबाग से पूछताछ की गई और जो मृतक के परिजन थे उनसे पूछताछ की गई, तो इसमें एक बात स्पष्ट हो कि आई कि 3 में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु संभवतः शराब की वजह से हुई। जो 1 व्यक्ति हैं जिनके परिजनों के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया, जिनका नाम चंद्रिका पासवान था, कि वो लीकर का सेवन नहीं करते हैं और काफी दिनों से बीमार थे पिछले 10 वर्ष से। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।